नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही लिमिटेड ओवर की सीरीज में भारतीय टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इसके बाद T20I सीरीज में भी जीत के साथ आगाज किया। दूसरा वनडे मैच एक समय श्रीलंका के पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए मैच जीत लिया था। इस मैच के दौरान और पूरी सीरीज के दौरान श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर के व्यवहार पर बहुत चर्चा हो रही है। यहां तक कि मैच के बाद दर्शन शानका से उनकी झड़प तक हो गई थी, जिसके बाद से ही उनकी काफी आलोचना हो रही थी। अब पाकिस्तान के पूर्व फिरकी गेंदबाज दानिश कनेरिया ने श्रीलंका के कोच मिकी आर्थर को लेकर विवादित बयान दिया है। कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने मिकी आर्थर पर तंज कसते हुए कहा कि वो जिस भी टीम के कोच बनते हैं उसकी लुटिया डुबो देते हैं। कनेरिया ने आर्थर से पूछा, आप कोच के रूप में क्या कर रहे हो, आपने क्या नतीजा दिया? पाक गेंदबाज ने कहा, आपको इस युवा टीम को बढ़ाने की जरूरत थी, ना कि हार के बाद उन पर भड़कने की। उन्हें फालतू की सलाह देना बंद करो, जिस टीम की इन्होंने कोचिंग की उसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। यहाँ कनेरिया का इशारा पाकिस्तान टीम पर भी था। हालांकि कनेरिया ये भूल गए कि मिकी आर्थर की कोचिंग में ही पाकिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। 2019 वर्ल्ड कप में हार के बाद मिकी आर्थर से पाकिस्तानी टीम की कोचिंग छीन ली गई थी और श्रीलंकाई टीम को दे दी गई थी। आपको बता दें, कनेरिया का बयान उस वीडियो के वायरल होने के बाद आया है, जिसमें दर्शन शानका और मिकी आर्थर आपस में झड़पते हुए नजर आए थे। इसके अलावा मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों से सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करने की भी बात कही थी। इस बात पर दानिश कनेरिया ने वार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है और बायो सुरक्षित बबल में खिलाड़ी इसका उपयोग करेंगे ही। उनका मानना है कि अगर श्रीलंका को बेहतर प्रदर्शन करना है तो कोच को अपनी योजनाओं को दोबारा से सोचने की जरूरत है। इसके अलावा दानिश कनेरिया ने भारतीय टीम की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने माना कि श्रीलंका और इंग्लैंड में गई भारतीय टीम का संयोजन विरोधी खेमे में तबाही मचा देगा। कनेरिया का मानना है कि इस T20 वर्ल्ड कप में भारत को हराना मुश्किल होगा। आपको बता दें, 3 मैचों के वनडे सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम किया। इसके बाद T20 सीरीज का आगाज भी जीत के साथ किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।